तो गोरखपुर में बीजेपी ने आज गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभाओं के मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारियों की बड़ी बैठक आयोजित की। बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी और बीएलए को मिलाकर त्रिदेव की संरचना बीजेपी ने की है। बीजेपी का मानना है कि ये त्रिदेव अगर मजबूत हो गए तो बीजेपी को 350 से ज्यादा सीटें हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के पदाधिकारियों से बात की संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभाओं के मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रभारियों के साथ एक बड़ी बैठक आज बीजेपी ने की, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन के साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को तमाम ऐसे मंत्र दिए कि जो 2022 में जीत के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। आज जिस तरह से बैठक हुई, कितना आपको लगता है कि एक मोटिवेशन एक स्पीच यहाँ पे हुई, आप लोगों को क्या क्या ऐसी चीजें यहाँ पे बताई गई जो 22 के लिए आप लोग आगे से और अच्छी तैयारी कर सकते? निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी और प्रदेश के जो प्रभारी हमारे राधामोहन सिंह जी ने जो हम लोग को मंत्र दिया है 2022 के चुनाव के जीतने के लिए, निश्चित तौर पर वह सफल होगा। उनका जो मंत्र है कि हम जो सरकार में 2017 के बाद जो सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, और जो कार को लाभार्थियों के बीच में ले जा करके और हम अपने कार्यों को सिर्फ बता ले जाएंगे, और जो गुंडा राज समाप्त हुआ है, जो 2017 के पहले गुंडा राज था, अराजकता थी और भय का वातावरण था, वो 2017 के बाद से सरकार आने के बाद से और 2022 तक जो भय समाप्त हुआ है, उन कार्यकर्ताओं को और जनता को हम एहसास करा देंगे। तो निश्चित तौर पे और एक मंत्र दिया उन लोगों ने कि बूथ जीता, चुनाव जीता, और इस मंत्र के साथ हम नीचे उतर करके और कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में जा करके और उस कार्यकाल को बनाएंगे और 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी है, ये संगठनात्मक रूप से सबसे मजबूत पार्टी है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने बूथ जीता, चुनाव जीता का मूल मंत्र लेकर के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाने का एक आह्वान किया है। चुनावी प्रक्रिया में ये मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, क्योंकि जो लड़ाई है असली है वो वोटों की होती है और वो बूथ लेवल की होती है। एक मंत्र यहाँ पे आज त्रिदेव का मंत्र दिया है कि उनको आपको मजबूत करना है, आपको क्या लगता है कि ये त्रिदेव क्या है और कितना आपको चुनावी जीत दिला सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, पार्टी हमारी बूथ लेवल से लेके और मंडल तक हम लोग बहुत मजबूत कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख से लेके त्रिदेव हम लोग बना रहे हैं। जो हमारा बूथ अध्यक्ष है और बीएलए 2 है और बूथ प्रभारी है, ये हमारे त्रिदेव हैं। इस त्रिदेव को हम आगे कर रहे हैं, क्योंकि हम बूथ जीतेंगे तो भाजपा जीतेगी। बिल्कुल, तो बूथ जीतेंगे तो भाजपा जीतेगी और 350 का जो आंकड़ा है वो भी पा सकेगी, और इसी को लेकर के लगातार पूरे प्रदेश में अभियान चलाए जा रहे हैं, और इन्हीं अभियानों की एक कड़ी के तहत आज गोरखपुर में जो बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज लोगों को जीत का मंत्र दिया और कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने की अपील की। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर।